लापरवाही जानलेवा होता है, ये कहावत सच साबित हुआ नाला सुपारा में, जहां समाज की लापरवाही, वसई विरार महानगर पालिका की लापरवाही और स्थानीय नेताओं की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई और न जाने कितनी की होनी अभी बाकी है। पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बड़ा तालाब, तालाब से सट कर गुजरा हुआ सड़क और सड़क से सटा हुआ एक स्कूल, स्कूल का नाम है सुदर्शन इंग्लिश हाई स्कूल। इस स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, अगर कभी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ तो क्या होगा। आप जो स्कूल से सटा हुआ तालाब देख रहे हैं, इसी तालाब में गिरकर अरमान सलीम पासा की मौत हो गई। फातिमा ने अपने बेटे को खो दिया और उसके बाद भी ये तालाब यूं ही खुला हुआ है और मौत को दावत दे रहा है। कई लोग इस तालाब में गिर चुके हैं, पर अब तक वसई विरार महानगर पालिका इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब भी तालाब के आसपास कुछ बच्चे खड़े हैं, अगर कोई हादसा होता है तो उन बच्चों को बचाने वाला यहाँ पे कोई नहीं। वही हादसे में बेटे अरमान को फातिमा ने खो दिया, अब उसकी बस यही मांग है कि तालाब को चारों तरफ से घेर दिया जाए ताकि कोई माँ अपने बेटे को न खो दे। सबको सलाम अलैकुम, नमस्ते। ये देखो मेरा बच्चा, आज जुम्मा का दिन था, एक हफ्ता हो गया है। मेरा बच्चा है ना, वो जगह है ना, वो कोने की वो जगह पे मेरा बच्चा है ना खेल रहा था। दो बेटे थे मेरे, एक है ना 9 साल का बेटा छोटा और एक 11 साल का बेटा, अरमान सलीम पाशा नाम है उसका। और क्या बोलते हैं, मुझे आके ना इधर 1 महीना हुआ है, बस आधे घंटे में ही काम हुआ है। मेरे बच्चे खेलने को आए थे, एक बच्चा जरा सा पानी में उतरा तो वो चिकड़ में ही मेरा बच्चा दब गया और छोटा बेटा बुलाने को आया, वहाँ तक आज तक ही मेरे बच्चे की लाश निकालना पड़ा ये नाले में से। बस आप लोगों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि नाले की बाउंड्री घेर दो, अगर किसी का भी नाला है तो जैसा मैं तड़प रही हूँ ऐसा कोई माँ तड़पे ना और किसी माँ का बच्चा नहीं, बस इसके लिए ही मैं खड़ी हुई हूँ एक माँ। क्या लगता है किसी गलती है हादसे में? मैं तो किसी की गलती नहीं मानती, बस ये मानती हूँ कि ये तालाब बंद होना चाहिए, पानी देख के बच्चे उतरते, ये दलदल है। आपकी प्रशासन से क्या मांगे? मेरी ये मांगे बस, एक इंसाफ है एक माँ के तरफ से कि मेरी कोक उजड़ी, बाकी किसी की कोक नहीं उजड़ना, बस मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। बीएमसी से कोई अधिकारी या प्रशासन से कोई यहाँ पे आया था? नहीं, यहाँ पे तो अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया। मैं 8 दिन से चिल्ला रही हूँ मेरे को इंसाफ के लिए, कोई नहीं आया। आप पहले हो जो आप आए हो मेरी मदद के लिए, और जो भी ये वीडियो देख रहा है सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बस एक माँ की रिक्वेस्ट सुन लो, ये तालाब बंद होना चाहिए बस। आपका नाम बताइए? गुलशन शेख। क्या हुआ था तालाब में? दो भाई गए थे नहाने के लिए, एक भाई पानी में उतरा नहाने के लिए और एक भाई डूब गया, दूसरा भाई भाग के आया, बताने लगा कि मेरा भाई डूब गया। तो हम लोग के ऑफिस से बाजन विकास अगाड़ी की पंकज दादा जी के नगर सेवक है, उनके ऑफिस से, ऑफिस में लड़के लोग आए, उनके ऑफिस पे से 2-4 लड़के बैठे थे, सब लड़के गए, मैं गई, हम लोग बच्चे को निकाले। निकालने के बाद बच्चा मर गया था, उसको नागिन दास लेके गए, प्राइवेट में लेके गए, लेकिन बच्चा खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में छोड़े, पुलिस केस हुआ, उसके बाद हम लोग आ गए। तो ऐसा पहले भी कभी हुआ था हादसा? पहले तो मालूम नहीं। क्या वजह थी डूबने की उसकी? वो तो पता नहीं, भाई लोग नहाने गए थे, दो भाई नहाने गए थे और वजह कुछ तो नहीं थी। तालाब वहाँ पे कब से? तालाब तो पुराना है, पुराना तालाब, बहुत पुराना तालाब।